हेलो हाय नमस्ते। पहला स्वागत है दोस्तों आपका एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों यार सुबह के 10 बजे हैं, मैंने भी अपनी ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। दोस्तों आज नीचे वाले खेत में लगा रहे हैं हम प्याज। 2 क्यारियों में प्याज हमने यार पहले ही लगा दिया था, और आज मामा जी ने भी प्याज का एक पूरा कट्टा भेज रखा है चंदबौड़ी से। तो दोस्तों सभी पहुँच चुके हैं खेत में प्याज का बिन लगाने के लिए। मम्मी, भाभी, बुआ और रंजू की मम्मी ये भी आई है खेत में। मैं ये प्याज लगाएंगे, मैं डालूंगा पानी। ये देखो दोस्तों लगाने लग गए हैं प्याज। बुआ ने डाल दिया है इसमें। बुआ दोस्तों यार पहले दवाई डाल दी है, कुरमू मार दवाई डाल दी है, उसके बाद ही लगाएंगे हम प्याज। ये देखो दोस्तों बुआ ने डाल दिया है कुरमू मार दवाई। कुरमू नहीं लगेगा यार इसकी ये दवाई से। पर अच्छा बुआ बोल रही है दोस्तों ये इसका खाद है, बिल कुरमो मार दवाई नहीं है, इसका खाद है। वैसे कुरमो मार दवाई है यार ये। दोस्तों यार आज मेरी जेठू ना टप में लेके जा रही है गोबर, जिसमें बच्चे लेके जाते हैं ना उसमें लेके जा रही है। दोस्तों सर्दियों के लिए बिमला चाची ने ये सौंत इकट्ठे कर रखे हैं। 2 क्यारियों को ना हमने पहले लगा दिया था। ये देखो यार ये एक बार अब इसमें निराई गुड़ाई करने का भी टाइम आ गया। 2 क्यारी का प्याज तो हमारा बढ़िया सा लग गया है। ये इसका जो भी हमने ये क्या नाम है इसका बिन रखा था ना, ये हमने अपने घर ही में रखा था। आज ये बिन ये 2 क्यारी में जो लगा रहे हैं ये भेजा है मामा जी ने। ये जब भैल भेजे हो यार ये बिन। दोस्तों यार इधर नीचे वाले खेत में ना हमारे देसी केले का भी पेड़ है, इसमें केले लगे हुए हैं, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ये है दोस्तों देसी केले का पेड़, 3 पेड़ है, एक ये है, 2 ये पेड़ है, इसमें केले के चाक आया है। ये देखो यार दोस्तों एक देसी केला है, ये देखो छोटे छोटे केले लगे हैं इसमें। दो क्यारियों में प्याज लगा के आ गए हैं, अभी 3 क्यारियों में और लगाना है। अब खाना खाने के बाद लगाएंगे यार। 2 क्यारियों में प्याज लगाया था उसमें पानी भी डाल के आ गए हैं, और अब देने लग गए भैंसों को पानी। इधर अंजलि की मम्मी ने खाना भी बना दिया, खाना बनाने के बाद आ गई है बाहर भैंसों को पानी देने के लिए। खाना आना खा के दोबारा से जाने लग गया हूँ यार दोस्तों नीचे प्याज लगाने के लिए, और साथ में लेके जा रहा हूँ ये सपाऊ। मम्मी ने आज तरूड निकाल रही है, खेत में मिल गया मम्मी को तरूड, और तरूड निकालने के लिए मम्मी ने मेरे से मंगाया है सपाऊ। दोस्तों नीचे 4 क्यारियों में लगा दी, 2 क्यारियों में पहले लगा रखा था, और इधर वाली क्यारियों में आज लगाया, एक ही ऊपर वाली क्यारी में लगाया, अभी कम हो गया यार। मामा जी के लिए फ़ोन कर रही है मम्मी, मम्मी ढूंढ रही है तरूड़, थोड़ा सा तो निकाल दिया मम्मी को। अभी मम्मी बोली थोड़ी देर पहले मैंने देखा था यहीं पे। अच्छा टुटरो जो टुटरो बिल दगड़ो। हाँ मम्मी निकाले यार ये सब्जी तरूड़, मेरा ज़्यादा ठुल तरूड़ नहीं है ये, छाड़ ये फेटो बोटो झाड़। अरे मम्मी मैं बोट को छड़ू हाँ तिल की। ये सब्जी हो खरब। ऊपर वाले भी जो हमारे 4 क्यारियां बना रखी थी यार इसमें कम पड़ गया। पापा भी जंगल से आ गए हैं, और शाम के 5:30 बज चुके हैं। पापा गए हैं उधर दोस्तों पेड़ में सूंघ काटने के लिए। ये देखो यार दोस्तों पापा भी जंगल से आ गए ना, अपने काम में लग गए। पापा इधर खुद के पेड़ में गए हैं सूंघ काटने के लिए, और अंजू भी करने लग गई अपना होमवर्क। दोस्तों अब हो गई हमारी सब्जी बनाने की तैयारी, और आग मैंने जला दिया, पूरा चूल्हा भर दिया मैंने लकड़ियों से। आज मैं बना रहा हूँ दोस्तों गडरी की सब्जी, और मम्मी लेके आई है लाई। लाई में ढूंढ रही है यार कहीं कीड़े तो नहीं है घर की, आजकल नहीं होती है लाई में कीड़ा।
तो मम्मी को लेकिन शक है ना, मम्मी बोली नहीं मैं ढूंढूंगी, मैं ढूंढ फिर छन कीड़े बज गया वो। अच्छा नहीं बोलो यार हरी सब्जी में की। अच्छा लेकिन तो कद को चाय अच्छा नहीं पड़ो, लेकिन आप मन भ्रम को दूर कर ली। दोस्तों यार अपना ब्लॉग का ना यहीं पे करता हूँ समाप्त, कल मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वही सब्सक्राइब कर दिया कर दी मेरी मम्मी भूल गई यार, मेरी मम्मी को आता नहीं, दोबारा बोलता हूँ वही कर दी दे सब्सक्राइब कर दिया कभी ये ब्लॉग को आगे कर देना को नहीं कर पाने यार मेरी आए को भाई बार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कभी ये चैनल का सब्सक्राइब कर दिया जा पौन दिन नहीं उन्हों यार मेरे मम्मी को कर दिया यार।